नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटनाचक्र करंट अफेयर मैगजीन का आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आपने सार संग्रह, एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन वीडियो और पार्ट वाइज वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट वाइज सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वीडियो था हमारा वार्षिकांक 2020 जो कि खेल से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वार्षिकांक 2020 जो कि पुरस्कार एवं सम्मान यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या आपके आने वाले एग्जाम उसमें आ सकते हैं जनवरी टू दिसंबर 2020, उन सभी क्वेश्चंस का हमने वीडियो तैयार किया। मास्टर वीडियो होगा यह पुरस्कार और सम्मान के लिए, यानी कि अवार्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वार्षिकांक 2020 पुरस्कार एवं सम्मान। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, हाल ही में नेपाल ने किसे सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है नेपाल के द्वारा? भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवाने यानी मनोज मुकुंद नरवाने को हाल ही में नेपाल ने जनरल मानद जनरल पद से उनको सम्मानित किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में KP शर्मा ओली। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस मलयालम लेखक ने JCB साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, S हरेश इनका नाम है, जिनका उपन्यास था, उपन्यास मुस्टेच नाम से था, जिसे कि JCB साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में कौन भारतीय राजनयिक शामिल हुई है? संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में विदिशा मैत्रा इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, USA में है, और वर्तमान में वहां के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, सादत रहमान जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साइबर बुलिसिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित एक सामाजिक संगठन और उनकी मोबाइल ऐप साइबर टीन्स के लिए उनको सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस स्कॉटिश लेखक ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? बुकर अवार्ड 2020, डगलस स्टुअर्ट इनका नाम है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनको हाल ही में बुकर अवार्ड 2020 के लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दुगनी करने पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? उस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? राइट आंसर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर बाघों की संख्या दुगनी करने पर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? मलयालम फिल्म उसका नाम क्या है? जल्लीकट्टू इस मूवी का नाम है, जिसे कि ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया है? अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है ऋचा चड्ढा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? ओम पुरी भारतीय कलाकार थे जिनको हाल ही में मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? फिल्म पैरासाइट जो कि एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है, जिसे 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, फिल्म पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने कौन सी वैश्विक संस्था की 75वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया है? 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। राइट आंसर है, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय डाक विभाग के द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इससे पहले भारतीय डाक ने 1954, 1985 और 1995 में भी क्रमशः 90, 40वें और 50वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किए थे।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्वेश्वरीय पुरस्कार किसे किस देश को देने की घोषणा की गई है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा जापान को विश्वेश्वरीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान देश को और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड देश को यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ऐश्वर्या श्रीधर इनका नाम है, जिन्हें की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? किस बैंक को? राइट आंसर, बैंक ऑफ घाना को हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मार्क कॉर्नी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? शांति का नोबेल पुरस्कार, राइट आंसर, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाले इस विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? साहित्य के लिए लुईक ग्लुक को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, लुईस ग्लुक, ये इनका फोटो यहां देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 देने किसे देने की घोषणा हुई है? रसायन, तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई, जिसमें इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, इनका दोनों का नाम है। इन दोनों को ही जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? भौतिकी के क्षेत्र में राइट आंसर इसमें हो जाएगा रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज, यानी दो लोगों को इसमें दिया गया है, जिसमें रोजर पेनरोज को दिया गया है ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज करने के लिए, और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। दोनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र का, राइट आंसर, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, तीनों को ही संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड दिया गया था, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हाल ही में किस अभिनेता को यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है, भारतीय कलाकार सोनू सूद को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2019-20 के अवार्ड जो घोषित हुए हैं, इसमें पुरुष वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू। वहीं महिला वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? महिला वर्ग में दिया गया संजू यादव को और पुरुष वर्ग में गुरप्रीत सिंह संधु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण कब तक के लिए स्थगित किया गया था? यह जनवरी 2021 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? टाइम मैगजीन के द्वारा, तो इस टाइम मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और अभिनेता आयुष्मान खुराना को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर घोषित किया गया है? यूएनईपी, राइट आंसर यहां हो जाएगा खुशी चिंदालिया इनका नाम है, और यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी केन्या में, यहां आप देख सकते हैं इनका फोटो, खुशी चिंदालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आईजी नोबेल पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से। सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड, राइट आंसर विकास खन्ना, जाने माने सैफ हैं विकास खन्ना, जिन्हें की एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020, सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, मरियप्पन टी, जो कि पैरा एथलेटिक्स, सुश्री मोनिका बत्रा टेबल टेनिस से, सुश्री विनेश फोगाट कुश्ती से, और सुश्री रानी रामपाल हॉकी से। इन पांचों को ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट क्षेत्र में रोहित शर्मा है यहाँ पर, मरियप्पन टी जो कि पैरा एथलेटिक है, सुश्री मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, और सुरानी रामपाल को हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से चुना गया है। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार 2020 की आप पूरी सूची आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इस पूरी सूची को देख सकते हैं अर्जुन अवार्ड 2020 के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से भारत सरकार के किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से, राइट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर, हाल ही में करमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील यादव एसएस, जो कि एसएस मोटिवेशन के संस्थापक हैं और सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल टेलीग्राम का चैनल है, जिसे इनको हाल ही में करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 से किसे दिया गया है? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020, डच लेखक हैं मैरीके लुकास रिजेनवेल्ड को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा में काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020, आईआईटी खड़गपुर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने कौन कौन से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, यहाँ देख सकते हैं, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पटिकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक और कुतुब मीनार, इन पांचों ही जगह पर को लेकर भारतीय डाक विभाग के द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं और एक डाक टिकट जारी इन पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महाल नोबिस पुरस्कार दिया गया? पीसी महाल नोबिस पुरस्कार, यह पहला अवार्ड दिया गया था भारतीय आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं सी रंगाराजन, जिन्हें की पहला पीसी महाल नोबिस पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी लेखक को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी और अमेरिकी प्रोफेसर है राज चेट्टी, इन दोनों को ही 2020 के लिए ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारतीय राज्य है केरल, जहां पर जिसे के सैलजा को वहां के स्वास्थ्य मंत्री है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर अब झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नामकरण किया गया है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना, यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में कहां पर तैनात भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल पर तैनात है भारतीय बटालियन को पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस कब मनाने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई है 12 जुलाई को, जो कि मलाला यूसुफजई का जन्मदिवस है, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की दुनिया और दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी का अवार्ड भी जीत चुकी है मलाला यूसुफजई।
नेक्स्ट, हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 केजंग डी थोंगडोक इनका नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है एडापडी के पलाने स्वामी, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वॉन कर्मन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वॉन कर्मन अवार्ड 2020 भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो के प्रमुख हैं के सिवान, उन्हें वॉन कर्मन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को और निर्देशक अनुराग कश्यप दोनों को संयुक्त रूप से टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किससे मानवता के लिए गुलबेंकियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? गुलबेंकियन अवार्ड ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद सुर्खियों में आई थी ग्रेटा थुनबर्ग, जिन्हें हाल ही में गुलबेंकियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? उस देश का क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। महानिदेशक है रोबर्टो अजेवेडो, जो कि मुख्यालय है यहां पर इसका विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रोफेसर अशोक साहनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में अर्जुन मुंडा। पहला पॉइंट आज का है, हाल ही में किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो इनका नाम है कृतिका पांडे, जिन्होंने हाल ही में एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 जीता है, कृतिका पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी सूची में कौन भारत का एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है इस सूची में? तो आंसर इसका राइट है अक्षय कुमार, अभिनेता हैं, जो कि एकमात्र भारतीय हैं जो हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज की सूची में विश्व की जो फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है उसमें शामिल है। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका की काइली जाइनर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नाम उनका है एम नेत्रा, जिन्हें गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जो है वो लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए जो भी इनकी पास जो धनराशि इकट्ठी थी इन्होंने खर्च की थी, इसलिए इनको गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन जंक्शन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है? उस रेलवे जंक्शन का नाम है त्रिची रेलवे स्टेशन, जिसे हाल ही में गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 नाम इनका है किरण मजूमदार सौ, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि बायोकिन की कार्यकारी अधिकारी हैं और संस्थापक भी हैं। इससे पूर्व इंफोसिस के नारायण मूर्ति को और 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को यह सम्मान मिल चुका है। इस हिसाब से तीसरी भारतीय हैं किरण मजूमदार शो, जिन्हें वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का जो पुरस्कार मिला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, यहाँ फोटो देखते हैं पहचान सकते हैं जावेद अख्तर, जो कि पहले भारतीय बने हैं यह अवार्ड पाने वाले, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाल ही में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला पुरस्कार जो कोविड-19 के चलते जिसे रद्द किया गया है, उस पुरस्कार का क्या नाम है? तो आंसर इसका है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे कि भारत एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और 2019 में रविश कुमार जो कि पत्रकार हैं उनको यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हाल ही में भारत के नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक, आंसर इसका है रंजीत कुमार, यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हैं, जिन्हें हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। यहाँ फोटो देख सकते हैं इनका, ऑस्ट्रेलियन ऑनर फॉर इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 में कौन सा संस्थान समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा? भारत का वो कौन सा संस्थान है? आंसर इसका है IIT मद्रास, जो कि समग्र रूप से भारत रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर रहा है उच्च शिक्षण संस्थानों में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है रतन लाल, आप इनका फोटो देख सकते हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख कौन बनी है? नाम इनका है अनमोल नारंग, जो कि पहली महिला सिख बनी है अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? आंसर इसका है जो अमृत सेन, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए इनको चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में किस राज्य को 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है? ई पंचायत पुरस्कार, हिमाचल प्रदेश को हाल ही में 2020 के लिए ई पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर भारत की ओर से किसे बनाया गया है? तो आंसर इसका है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निर्देशक अनुराग कश्यप, दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने सम्मानित किया है? तो राइट आंसर इसका है केरल राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के सेलजा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करने की वजह से इनको सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर राजीव जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और जिन्हें हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी को UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुमन गावनी इनका नाम है, जिन्हें हाल ही में UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय अधिकारी बनी है। अगला पॉइंट है, हाल ही में किन भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो इस बार तीन भारतीयों को, भारतीय जर्नलिस्ट को, जिसमें कमल आनंद, उनके सहयोगी मुख्तार खान और डार यासीन, तीनों को ही पत्रकारिता के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार मिला है, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति मेडल से किसे सम्मानित किया है? उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग को रूस के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के स्मृति मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौन सा पर्वतारोही 7 महाद्वीपों पर सभी ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बना है? नाम इसका है सत्यरूप सिद्धांत, जो कि 7 महाद्वीपों पर ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हीरोज टू एनिमल अवार्ड, राइट आंसर इसका है नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हीरोज टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है। उन्हें यह अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो लॉकडाउन की अवधि में जो पशु पक्षी होते हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, उनके लिए भी अलग से एक बजट जारी कर उनकी सहायता की थी, इस वजह से उनको पेटा इंडिया की तरफ से हीरोज टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता बिल विदर का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित हैं? बिल विदर, आंसर इसका है अमेरिका से संबंधित हैं बिल विदर, जो कि 3 बार के ग्रैमी अवार्ड से विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एडिसन अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? ग्लोबल एडिसन अवार्ड, आंसर इसका है टाटा पावर कंपनी को हाल ही में ग्लोबल एडिसन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी
पीवी सिंधु को हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर बना है आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर सर्वानंद सोनोवाल को हाल ही में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी, अभिनेत्री करीना कपूर को प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में स्थित है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगला पॉइंट है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम, राइट आंसर इसका है IIM बेंगलुरु के द्वारा हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद हम कुछ अवार्ड्स फिल्म से संबंधित देखते हैं, जो ऑस्कर अवार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। 92 ऑस्कर अवार्ड्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, हॉलीवुड लॉस एंजलिस अमेरिका में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी इसमें पैरासाइट, जो कि एक दक्षिण कोरिया फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बांग जून हो, जो कि पैरासाइट फिल्म के ही निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फोनिक्स, जोक फिल्म जोकर के अभिनेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रिनी जेलवेगर, जो कि जूडी फिल्म की अभिनेत्री थी। अगला पॉइंट इसमें आता है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, इसके अंदर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था। तो इस वर्ष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉलर है, और लुइस हैमिल्टन, जो कि F1 मोटर रेसिंग के खिलाड़ी हैं। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर, सोफिया फ्लॉर्स, जो कि जर्मनी की हैं, उन्हें लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर किसे दिया गया। भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020, इस फिल्म के जितने भी पुरस्कार थे इस अवार्ड के, वो सभी अवार्ड फिल्म गली बॉय को गए थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर गली बॉय, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म गली बॉय, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गली बॉय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार, जो कि हाल ही में जारी किए गए थे, इसमें जो यह पुरस्कार दो कैटेगरी में दिए गए थे, 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, और 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में जो दादर नगर हवेली को पहला पुरस्कार दिया गया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। इसके बाद हम आता है पद्म पुरस्कारों के बारे में देखते हैं, जिनकी हाल ही में घोषणा की गई थी। इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और पद्म भूषण में 16 व्यक्तियों को दिया गया था। आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ये है पद्म विभूषण और ये है पद्म भूषण। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, 29वां सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा की गई थी 16 जनवरी को। वासुदेव मोही, जो कि सिंधी भाषा के लेखक हैं, इनकी एक लघु कथा संग्रह था चेक बुक के लिए इनको 29वां सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, खेल के क्षेत्र में हाल ही में पद्म विभूषण किस खिलाड़ी को दिया गया है। खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण, MC मैरी कॉम 6 बार विश्व विजेता है मुक्केबाजी में, और जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद आता है ICC क्रिकेट पुरस्कार 2019, इसके अंतर्गत क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर, उन्हें दिया गया था। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा भारत। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चाहर, वो भी भारत। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मार्नस लाबुशाने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अगला पॉइंट आता है इसमें, हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, जो कि 77वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म, कौन सी फिल्म को दिया गया। तो ड्रामा कैटेगरी में 1917 मूवी को दिया गया था, और म्यूजिकल कॉमेडी के अंदर वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री व लेखिका की पुस्तक पाजामाज फॉर अवर फॉर गिविंग को क्रॉसवुड अवार्ड का पॉपुलर फिक्शन का अवार्ड दिया गया था, वह किस अभिनेत्री के द्वारा लिखा गया था। ट्विंकल खन्ना। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है।
किरण मजूमदार शो जो कि बायोकॉन के संस्थापक हैं उनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इससे पहले मदर टेरेसा, जनरल सोली जहांगीर सौरभ जी और सचिन तेंदुलकर यह अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित 62वां ग्रैमी अवार्ड का वितरण कहां पर किया गया था। ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है, लॉस एंजलिस अमेरिका में इस अवार्ड का वितरण किया गया था। अगला पॉइंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जो दिए गए थे इसमें हिंदी भाषा के लिए किसे पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य कविता छीलते हुए अपनों को। अंग्रेजी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में शशि थरूर को दिया गया था उनकी कविता एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी है। मिस यूनिवर्स 2019 जोजीबिनी टूंजी जो कि दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं वो कि मिस यूनिवर्स 2019 बनी थी और 2018 की कैटरीना ग्रे बनी है और भारत की ओर से अब तक दो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी है। मिस वर्ल्ड 2019 बनी थी टॉनी एन सिंह जो कि जमैका की हैं और 2018 में वेनेसा पॉन्स डी लियोन जो है वो मिस वर्ल्ड 2019 थी और उन्होंने ही इनको एक खिताब मतलब उनको जो ताज पहनाया टॉनी एन सिंह को। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। राइट आंसर, ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की रहने वाली हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2019 ने किस टेनिस खिलाड़ी को चैंपियन घोषित किया। तो पुरुष एकल में राफेल नडाल को जो कि स्पेन के हैं और महिला एकल में एस्ले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं उनको चैंपियन खिलाड़ी घोषित किया गया। अगला पॉइंट है, महिला टेनिस संघ यानी WTA वुमेन टेनिस एसोसिएशन द्वारा किस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। एस्ली बार्टी ऑस्ट्रेलियाई जो कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी उनको चुना गया। अगला पॉइंट इसमें, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलेंडियोर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। बैलेंडियोर पुरस्कार दिया है लियोनेल मेसी को जो कि 6वीं बार दिया गया है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का महिला फुटबॉलर का बैलेंडियोर फेमिनिन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, मैगन रैपिनो जो कि अमेरिका की हैं उन्हें दिया गया। पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी और महिला वर्ग में मैगन रैपिनो। नेक्स्ट, 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मकथा है इनकी अस्थि भवती के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा क्रिस्टल अवार्ड 2020 किस भारतीय अभिनेत्री को देने की घोषणा की गई है। दीपिका पादुकोण को हाल ही में क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है जिन्हें की मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाने के लिए अवार्ड देने की घोषणा WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। PDF का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां आपको सारे PDFs एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। धन्यवाद।